ना। रीमा वालों ने पहली बार एडवांस भट्टी कब की थी, कितने साल पहले? नवंबर 2006 में, एक साल हो गया। तब से लेकर सर्विस करते करते बहुत सारे मुरली के पॉइंट ऐसे आते होंगे जिनका समाधान नहीं कर पाते होंगे। तो हेड ऑफिस में तो किसी ने लिख के कुछ भेजा नहीं, तो यही बता दो। क्या बातें अटकती है? रीवा वाले को ही पूछना कि बाहर वाले पूछना। अब रीवा में बैठे तो सब रीवा वाले, आत्मा कोई शरीर एक जगह का होता है कि आत्मा एक जगह की होती है? आत्मा एक जगह की होती है बाबा। अरे शरीर एक जगह का होता है, शरीर को देख करके कहेंगे ये दक्षिण भारत का है, ये उत्तर भारत का है। आत्मा उत्तर भारत दक्षिण भारत की होती है क्या? नहीं होती ना। हाँ, तो आत्मा यहाँ बैठी है तो यहाँ की है। हाँ, नहीं, किसने कहा एक साथ प्रवेश करते हैं? मुरली में तो नहीं कहीं बोला एक साथ प्रवेश करते हैं। माता में थे? हाँ? पहले माता में थे, उनके द्वारा प्रजापिता। पहले माने कब? सन 36 में जिस माता में प्रवेश किया उसमें सुनने सुनाने की प्रवेशता हुई या समझने समझाने की प्रवेशता हुई? सुनने सुनाने को भक्त कहा जाता है, भक्तिन कहा जाता है या ज्ञानी कहा जाता है? ज्ञान को बीज कहा जाता है, भक्ति को माता कहा जाता है। तुम सब भक्तियां हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तो माता को माता ही कहा जाएगा, पिता तो नहीं कहा जाएगा। ज्ञान का बीज बोने वाला क्या कहा जाएगा? हाँ जी। और प्रवेश होने के तुरंत बाद ब्रह्मा नाम नहीं पड़ा? जब सन 47 से मुरली चलाना शुरू किया, इसलिए मुरली माया मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है जब मुरली चलाते हैं। तो सन 47 से पहले तो ब्रह्मा बाबा मुरली नहीं चलाते थे, माताएं क्लास कंट्रोल करती थी। माताओं से भी पहले वो पीयू प्रवेश करता, प्रवेश ज्ञान सुनाता था, कंट्रोल करता था। तो ब्रह्मा के मुख से जब से मुरली चलाना शुरू की है उसकी बात याद दिलाई मुरली में। मुरली कराची से निकलती चली आई है। कराची में सत्संग पहले शुरू हुआ या सिंध हैदराबाद में पहले शुरू हुआ? है सिंध हैदराबाद में पहले सत्संग चलता था, बाद में वहां से कराची में ट्रांसफर हुआ। जब कराची में ट्रांसफर हुआ और ढेर की ढेर कन्याएं माताएं ब्रह्मा बाबा के पास उड़ करके आ गई, तो बाबा को नशा चढ़ गया। शिवो अहम, मैं गीता का भगवान हूँ। और आज तक भी वो अपने को गीता का भगवान समझते हैं। उनकी बुद्धि में जब तक ये न बैठेगा क्या कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा निराकार शिव ज्योति भी बिंदु रूप होता है, क्या साकारी स्टेज वाला और बीज रूप स्टेज वाला देखने से पता चलेगा या नहीं चलेगा? इब्राहिम परमधाम से जब आया, क्राइस्ट परमधाम से आया, बुद्ध परमधाम से आया, गुरु नानक परमधाम से जिस समय आए उस समय निराकारी स्टेज में थे, उनकी आत्मा निराकारी थी या साकारी थी? उनका चित्र देखने से क्या लगता है? निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है। और ब्रह्मा का कोई ऐसा फोटो है जो देखने से ये पता लगता हो कि निराकारी स्टेज वाला है? जो आत्मा बने हैं इस जीवन में
उनकी ही मंदिरों में पूजा होती है। इस जीवन में रहते रहते 100% आत्मिक स्टेज जिन्होंने धारण नहीं की उनकी पूजा नहीं होती है। और बाबा बाबा मुरली में बोलते हैं कि जो तो अर्ध विनाश हुआ है ना, एकदम राजाई कहाँ से स्थापन हो जाएगी। जो राजाई स्थापन होती है तभी तो स्थापन होती है जब 100-200 साल के बाद ढेर सारी प्रजा बन जाए। इब्राहिम आया द्वापर के आदि में और आते ही क्या इतनी ज्यादा प्रजा वो तैयार कर लेगा कि उसकी राजाई शुरू हो जाए। इसलिए वो देवी देवता सनातन धर्म वाले जो बचे अर्ध विनाश के बाद, वो खंडित गद्दियां उनकी दिखाई गई। और बाबा एक बात ये है, आपको बोलने नहीं देंगे अभी। हाँ माताओं के त्योहार मनाया जाता है कि राम को मार करके लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। लक्ष्मी की पूजा इसलिए होती है कि लक्ष्मी जन्म जन्मांतर पवित्र रहने वाली आत्मा है। वो ऐसी आत्मा है जिसने 84 जन्मों में किसी पर पुरुष के साथ संसर्ग संबंध नहीं जोड़ा है शरीर का, ऐसी आत्मिक स्थिति वाली आत्मा है। इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है दीपावली के दिन। भले रावण को किसने मारा, राम ने मारा, लक्ष्मी ने नहीं मारा। क्या सत्यनारायण के रूप में नारायण की पूजा होती है, सत्य लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। फिर भी जब दीप जलते हैं, आत्मा रूपी दीपक जलते हैं, तो लक्ष्मी की पूजा होती है। अभी भी दीप नहीं जल रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि हमारा दीपक जगा रहता है, नहीं जगा रहता है। जब वो लक्ष्मी निकलेगी, क्या भारत माता शिव शक्ति अवतार वो प्योरिटी की देवी निकलेगी तो सबको नशा चढ़ जाएगा और सबकी आत्मिक स्थिति आसानी से बनेगी। लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है, बात ये बच्चे आगे रखे जाते हैं कि बाप अपने को आगे करता है। अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया, बाप अपन को प्रत्यक्ष नहीं करते। फादर सोज सन, फिर सन सोज फादर, दोनों में पावरफुल कौन है? बाप। तो कौन पहले किसको प्रत्यक्ष करेगा? बाप बच्चों को पहले प्रत्यक्ष कर लेता है। आत्मा रूपी दीपक जग जाते हैं, देवियों की भी प्रत्यक्षता हो जाती है नंबर वार। फिर बाद में डूबी जा होकर गणेश भी डूब जाते हैं और देवियां भी डूब जाती हैं। और किसकी पूजा होती है? भगवान की। जोर से बोलो है, खड़े हो जा। खड़मुख का क्या होता है? खड़मुख का क्या होता है? हाँ कहते हैं शंकर को दो बच्चे थे, क्या? एक था गणेश छोटा बाद में पैदा होने वाला, और बड़ा था कार्तिकेय छह मुख वाला षण्मुख। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही होता है। देवताएं बड़े शास्त्रों में दिखाई गई हैं या राक्षस बड़े दिखाई गए हैं? बड़े कौन होते हैं? जरूर जो बड़े होंगे उनमें पावर ज्यादा होगी और जो छोटे होते हैं उनमें पावर कम होती है। देवताओं को अगर भगवान आकर के सपोर्ट न करें तो देवताएं कभी जिंदगी में जीत नहीं सकते। और राक्षसों को भगवान की दरकार नहीं है, इतने ताकतवर होते हैं।
तो दिति से दैत्य पहले पैदा हुए और अदिति से देवताएं बाद में पैदा हुए। तो शंकर की बात नहीं है, वास्तव में शिव की बात है। शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले पहले सूर्यवंशी प्रत्यक्ष होते हैं संसार में, या ब्रह्मा के द्वारा इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं पहले यज्ञ में प्रत्यक्ष हो जाती है, है? यज्ञ के आदमी ही सूर्यवंशी राम वाली आत्मा के साथ चले गए, वो भगवान के बच्चे थे जो डायरेक्ट बाप से ज्ञान लेकर के इसी जन्म में सिद्धि प्राप्त करते हैं। इतनी सिद्धि प्राप्त करते हैं कि राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने के निमित्त बन जाते हैं। सृष्टि की शुरुआत करने वाले पूर्वज हैं, लेकिन उनमें भी दैत्य भी है और देवताएं भी हैं। एक जैसे बीज नहीं है रुद्रमाला में, जो दूसरे दूसरे धर्मों के बीज हैं वो संक्षेत्र में ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। राम के कितने भाई? चार भाई। चार भाइयों ने यज्ञ के आदि में ही सहयोग दिया ईश्वरीय यज्ञ में। एक ने अपने को गुप्त कर लिया और तीन ने अपने को प्रत्यक्ष कर दिया, ढोल बजा दिया, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। तो बीज रूप आत्माओं में भी वो राक्षस पहले प्रत्यक्ष होते हैं, जो भगवान का अंत तक विरोध करते हैं, अपोजिशन करते हैं। तो गणेश गण माना, ईश माना शासन करने, ईश माने शासन करता और गण माने समूह, देवताओं के समूह का शासन करने वाला गणेश। जो भगवान के छोटे बच्चे देवताएं हैं उनका मुखिया, और सबसे पहले पैदा होने वाला कार्तिकेय। ज्ञान की टिक टिक बहुत करते हैं वह कार्तिकेय और उनके सारे ही फॉलोअर, जैसे बेस्ट के नाले वाले कितनी टिक टिक करते हैं, प्रदर्शनी करो, मेले मला खड़े करो, मेगा प्रोग्राम करो, कॉन्फ्रेंस करो, ये करो वो करो, टिक टिक ही चल रही है या भगवान प्रत्यक्ष हो रहा है? टिक टिक करते हैं। नाम पड़ गया कार्तिक, क्या कर टिक टिक। उनका शास्त्रों में नाम पड़ा है बकासुर। कौन से सुर? बक बक करने वाले असुर। तो कार्तिकेय बड़े, और वो किसके बड़े? छह मुख हैं उनके, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन सन्यासी सिख और आर्य समाज, ना मुस्लिम, आर्य समाज नहीं। कौन कौन छह? इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन सन्यासी और मुस्लिम और सिख। ये छह धर्म ऐसे हैं जो छह तरह की बातें सुनाते हैं, बाकी आर्य समाज वाले तो सब धर्मों में कन्वर्ट होकर के चले जाते हैं। वो किसी धर्म को धर्म निरपेक्ष राज्य, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है, तो उनका तो कोई धर्म धर्म ही नहीं है। तो छह मुख हैं विधर्मियों के, वो छह मुख का हेड कौन है? कार्तिकेय। समाधान हुआ? हाँ जी, इधर भाव मुरली में आता जनक अनुजनक बना। हाँ जी, ये इसका अर्थ जनक माने क्या है? जानने वाला,
जन्म देने वाला, जन्म देने वाला। और राधा अनुराधा बनी, जनक अनुजनक बना। अनु का अर्थ होता है पीछे से फॉलो करने वाला। यज्ञ के आदि में जनक कौन था? प्रजापिता। और प्रजापिता ने जो ज्ञान का बीज बोया, तो बाप को प्रत्यक्ष करने वाला पीछे पीछे कौन आया? कहते हैं ब्रह्मा के चार पुत्र थे। एक पुत्र था जिसके नाम पर सनातन धर्म नाम पड़ा, तो फॉलो करने वाला हुआ ना। उसके द्वारा ऐसे धर्म की स्थापना हुई जो संसार में कितना प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। तो हुआ अनुजनक। और हाँ जी, भगवान जी जैसे आप कहते कि दादा ने राज की समझ में ये नहीं आया कि पुस्तक भगवान मैं हूँ, वो तो समझ में आया शुरुआत से। आप तो उल्टा बोल गए। आप ध्यान देते हैं ब्रह्मा बाबा का भी साथ चल रहा है क्या? ब्रह्मा बाबा का भी साथ चल रहा है सब। शंकर के तन में ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म प्रवेश करके और फिर साथ कर रही इसीलिए पूछ रहे। हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करते। शंकर के तन में चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है। है हम तो नहीं मानते, इनकी मान्यता होती है। हाँ अभी तक आपका ज्ञान सुना उन्होंने? हमसे नहीं सुना। चंद्रमा की आत्मा, ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा की आत्मा शंकर में प्रवेश करके शंकर के संग के रंग से बीज रूपी स्टेज बन जाती है। और बीज रूपी स्टेज जब बनती है तब वो बच्चा बन करके, शिष्य बन करके, स्टूडेंट बन करके पढ़ाई पढ़ता है। और जैसे ही उस तन से अलग होता है सूक्ष्म शरीर का देवान आ जाता है और गुलजार दादी भी प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। हाँ क्या पूछ रहे हैं? और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सतना पहाड़ जो है इसका अर्थ क्या होगा? सतना का नाम का अर्थ क्या होगा? किसका? सतना, सतना, सतना का अर्थ पूछ रहे हैं। सत्य माने सत्य और ना माने ना। अरे कलयुग में सत्य ना होता है क्या? जो असली सत्य है उसको असुर लोग क्या कह देते हैं? सत्य ना। माया क्या करती है? माया कहती है सत्य सत्य ना। और भगवान क्या कहता है? सत्य हमेशा सत्य है, सत्य असत्य कभी हो ही नहीं सकता। गीता में पूरा एक श्लोक दिया हुआ है ना, असते असतो भावो। क्या जो असत है वो कभी नष्ट नहीं होता, जो असत है वो नष्ट होता है और जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता। क्या सत्य का नाश नहीं होता? सत्य का नाश होता ही नहीं कभी। तो सतना वाले अपने को क्या समझे? सतर होकर के हम ही सत्य हैं। और माया क्या कहती है? सतना। वो कलयुग में उसका नाम पड़ गया सतना। असुर संगारणी देवियां गाई हुई हैं या देवता गाया हुआ है? है देवियां गाई हुई हैं। जो असुरों का संहार करने वाली है वो देवियां गाई हुई हैं, देवता नहीं गाया हुआ है। तो असुरों का संहार करने का काम किसको सौंपा हुआ है? है माताओं कन्याओं को सौंपा हुआ है। माता तो कहा जाता है, लेकिन कोई देवी ऐसी देखी है जो माता के रूप में चौड़ी चकरी दिखाई जाती हो या कन्या के रूप में दिखाई जाती है? कन्या के रूप में दिखाई जाती है, कोई भी देवी हो, लेकिन नाम उनका पड़ता है माता, काली माता, लक्ष्मी माता। क्या पड़ता है? माता कही जाती है, इसलिए कही जाती है कि वो भगवान की पत्नी बनती है। भगवान उसमें ऐसा खून नहीं छोड़ता जिससे वो पांच तत्वों की तरह विकृत बन जाए।
क्या वो कन्या की कन्या ही बनकर के रहती है, इसलिए वो नौ देवियां कन्या के रूप में आज भी पूजी जाती हैं। लेकिन उनको काम दिया हुआ है, उनमें से दो प्रकार की हैं, एक है शाकाहारी और एक है मांसाहारी। मुरली में सुना कि नहीं सुना, तो अब समझना भी है। दो प्रकार की देवियां हैं, शाकाहारी माने भारत माता के शक्ति अवतार, वो क्या हो गई है शाकाहारी, और मांसाहारी कलकत्ते में काली के मंदिर में जाके देखो खून ही खून फैला हुआ है, मांस के लोथड़े ही लोथड़े चिपट रहे हैं। तो मांसाहारी लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। ये विचारी दुनिया का अंत, विषय विकारी दुनिया का अंत, विषय विकार की अति से होगा या निर्विष से होगा? एक घड़ा भरा हुआ है अमृत का, दूध का, और उसमें एक बूंद विष का डाल दिया जाए, क्या हो जाएगा? सारा का सारा विष हो जाएगा। तो देवियां असुर संहारिणी बनती हैं। महाकाली के मस्तक में किसी ने ध्यान से नहीं देखा, पुराने चित्रों में नीचे तो देख लिया कि शंकर के छाती पर पांव रखे हुए हैं, डिसरिगार्ड कर रही है, लेकिन उसके मस्तक में कौन याद है? उस शंकर का चित्र रखा हुआ है। तीसरा नेत्र भी दिखाया जाता है, शिव नेत्र। शिव नेत्र शिव की प्रवेशता की यादगार नहीं है। अगर शिव चंडिका देवी में भी प्रवेश कर जाए तो सर्वव्यापी हो जाएगा कि नहीं है? सर्वव्यापी कहा जाएगा या एक व्यापी कहा जाएगा? लेकिन शिव जब आता है तो एक आत्मा को आप समान बना के जाता है। बच्चों को भी कहता है, बच्चे आप समान बनाओ, कहता कि नहीं? तो शिव आता है तो एक आत्मा को जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बना कर जाता है। कैसा? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो वो तो हो गया आप समान बाप समान, लेकिन जो एक आप समान बाप समान बनता है उसका संग करने वाली भी तो कोई होगी, जो जिसने 100% संग लिया हो साकार में। अरे कोई होगी कि नहीं होगी? 16,000 में से होगी, जो होगी उसने साकार में जो संग लिया है उसका रंग कुछ रंग दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। इसलिए एक ही देवी गाई हुई है जिसका मेला गाया जाता है। सबसे ज्यादा मेला किसका लगता है, देवता का या देवी का? देवी का मेला लगता है। मेला किसकी यादगार है? मेला बनाने की नहीं, वो तो दुनिया वाले मेले हैं। हम देवी की बात कर रहे हैं, जिस देवी ने भगवान से मिलन मेला सबसे जास्ती मनाया, मिलन मेले की यादगार है मेला। वो मेलों की बात नहीं, सच्चे मेले की बात। तो जब मेला मनाया है तो ज्यादा ताकत भी तो भरी होगी, और वो ताकत सुप्रीम सोल बाप को पहचानने की ताकत है या साकार को पहचानने की ताकत है? सुप्रीम सोल बाप को अगर पहचाना हो तो उसको जिसने पहचान लिया वो फिर भूलेगा क्या? है नहीं भूल सकता। मुरली में बोला है, याद आया क्या बोला? मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते, तेरे को पहचानते हैं मेरे को नहीं पहचानते। कौन बोला? शिव सुप्रीम सोल बोला।
कि मैं जिस तन में मुकर्रर में प्रवेश करता हूँ उस तन के साथ जिसने सबसे जास्ती उस तन का संपर्क संसर्ग किया संबंध जोड़ा वो भी मेरे को नहीं पहचान पाता और महाकाली का पाठ बजाता है। जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करेगी। मुरली में सुना कि नहीं सुना? सुना तो इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है उसमें जो जगत पिता का इतना विरोध करती है कि सारी दुनिया के सामने छाती पर पांव रखे डांस करती है। कि ताकत कहाँ से आई? किसने दी? बाप से ताकत ली। लेकिन बाप का काम तो करती है, शंकर का काम क्या है? विनाश करना। शंकर विनाश करता है क्या? मुरली में तो आया शंकर विनाश थोड़ा ही करता है। कौन करता है विनाश? शक्तियाँ विनाश करती है। आप पवित्रता से विनाश होता है या पवित्रता से विनाश होता है? आप पवित्रता से होता है विनाश और पवित्रता से होती है स्थापना। पवित्र देवी जब एडवांस के संगठन में ऐड हो जाती है तो नई दुनिया की स्थापना होती है और चंडिका देवियों से होता है विनाश। काहे का? आसुरी शक्ति का या दैवी शक्ति का? आसुरी शक्ति का विनाश होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में आसुरी शक्ति है या नहीं है? आसुरी शक्ति की संख्या ज्यादा है या दैवी शक्ति की संख्या ज्यादा है? आसुरी ब्राह्मण भरे पड़े एडवांस में भी और बेसिक में भी। और बाबा बेसिक वाले बोलते हैं कि तुम्हारा बाबा भगवान नहीं है, ब्रह्मा बाबा भगवान। तो आपको याद रह गया? आपको याद रह गया ना? आपको याद रह गया ना? ये बात आपको याद रह गया? उनकी बोली हुई बात याद रह गई क्या? हैं? उन्होंने आपसे बोल दिया कि आप भगवान नहीं है, लेकिन आप यहाँ भरी सभा में बोल रहे हैं। आपकी बुद्धि में बैठ गया तब तो बोल रहे हैं। अगर बेकार की बात होती क्या हम बेकार की बात भरी सभा में सुने? प्रभावित हो गए ना? अब नहीं होना प्रभावित। और जैसे यहाँ रावण को तस्वीर दिखाती है, सुतार बाबा एक तस्वीर में देखी काली को भी तस्वीर दिखाते है, कैसे बाबा? ठीक है, काली अकेली होती है क्या? उसकी भुजाएं ढेर सैकड़ों नहीं होती? ठीक बाबा, ये बताइए कि जैसे एडवांस में कोई आत्मा एडवांस ज्ञान ले ली और इसके बाद उसका शरीर भी छूट जाता है तो फिर वो पुनर्जन्म लेगी या सूक्ष्म पाठ लेगी? जिन्होंने एडवांस ज्ञान लिया है उनकी बुद्धि में ये बैठाया गया है कि नहीं कि जो भी एडवांस ज्ञान लेगा उसको शरीर सहित नई दुनिया में जाना है, ये शरीर छूटेगा नहीं। तो अगर कुरान खासा कोई भक्ति मार्ग का संस्कार उसका 100% पक्का हो जाता है तो शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर वो दूसरा जन्म लेगा या नहीं लेगा? लेगा, दूसरा जन्म लेगा और फिर शरीर से नई दुनिया में जाएगा। चार सागर मंथन के लिए शास्त्रों में यादगार है, पर्वत को ये बनाया और रत्ती सर्प की बनाई और देवों असुरों ने खींचा, ऐसे बुद्धि से जो चार सागर मंथन करते हैं तो इसमें पर्वत और रत्ती देव असुर कैसे मतलब इसमें लागू होता है बुद्धि के चार सागर? अरे हिमालय राज किसका नाम है? हिमालय की पुत्री कौन हुई? पार्वती। पार्वती कहाँ बैठी हुई है इस समय? अरे पार लगाने वाली कहाँ बैठी हुई है? बेसिक में बैठी है। और बेसिक वालों का बाप कौन है? ब्रह्मा। तो हिमालय राज हुआ ना, इतना नहीं मालूम? अब उसको अलग अलग नाम दे दिए, वो पार को मथानी बनाया, देवताओं ने उसको अपनी तरफ खींचा और असुरों ने अपनी तरफ खींचा, तो अभी खींचातानी हो रही है। ब्रह्मा की सोल कृष्ण की सोल सबको प्यारी है क्या? अंदर से और बाहर से समझने की बात है। देवताएं भी अपनी तरफ खींच रहे हैं और असुर भी अपनी तरफ खींच रहे हैं।
वो तो मथानी हो गई, और रस्सी कौन सी हुई? नहीं, रस्सी भी है ना, एक इधर खिंचती फिर उधर खिंचती है, सर्प की रस्सी बनाई गई, वो सर्प कौन हुआ? अरे कहते हैं देवताओं ने पूछ पकड़ी। अरे तो बाप, हाँ, देवताओं ने उसको फॉलो किया, माने पूछ पकड़ी, और असुरों ने मुंह पकड़ा। आपने इस मुरली में ऐसे कहा, आपने उस अध्यक्षवाणी में ऐसे कहा, आपने इस कले के समय ऐसे कहा, आपने उस वार्ता में ऐसे कहा, अब ऐसे कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो असुर मुंह पकड़ते हैं और देवताएं पूछ पकड़ते हैं। हाँ, वो मुंह पकड़ते हैं तो मुंह में से क्लेरिफिकेशन और अच्छा निकलता है। सर्प के मुंह में से अगर फुफकार निकलेगी तो जो मुंह पकड़ेंगे उनको नुकसान होगा, या पूछ पकड़ेंगे उनको नुकसान होगा? मुंह पकड़ने वालों को बहुत नुकसान हो जाएगा। वो काटने वाला सर्प नहीं है बाबा। एक बात है जो शास्त्रों में दिखाते हैं, बताते हैं कि अंजनी के पुत्र हुए हनुमान, और वो सूर को हप कर गए, उनको जब भूख लगी तो उन्होंने कहा कि माता जी मेरे को भूख लगी है, तो अब मेरे को आहार चाहिए। तो माता जी ने बोली कि वो सूर उदय हो रहा है, उसी को आप खा जाओ। तो ये कैसी बात है बाबा? यज्ञ के आदि में सूर्य उदय हो रहा था कि नहीं हो रहा था? और ऐसी कौन सी आत्मा है जिसने उस उगते हुए सूर्य को सारा ही हप कर लिया, आज तक किसी क्षेत्र तक किसी ने नहीं जाना। बाल समय रवि भक्त लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। उस समय से अंधियारा होते होते सन 76 तक कितनी ही रात्रि हो गई, महाशिवरात्रि हो गई। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं? आ गया समझ। हर बात का अर्थ तुरंत नहीं बताया जाता, कोई जरूरी नहीं। अगर सारी बातें अभी ही बता दें तो फिर बाद में क्या पढ़ाई पढ़ावेंगे? राम राम हाँ। अगले बार बाबा है ये, जैसे कहते ब्रह्मा तो विष्णु बना। हाँ जी, ब्रह्मा तो विष्णु, ब्रह्मा तो चार पांच दिखाए हैं, अब विष्णु वाली आत्मा अलग बताई है? नहीं नहीं, विष्णु अगर ब्रह्मा नंबर वार होंगे तो विष्णु भी, विष्णु बनने वाले भी नंबर वार होंगे कि एक ही जैसे होंगे? तो चार पांच मुंह दिखा। कमाल है, विष्णु की जो चार भुजाएं हैं उनमें कोई ऊपर की है कि सारी ऊपर की है? ऊपर की है कि नहीं? और कुछ दाई ओर की है या सारी दाई ओर की है? दाया हाथ अच्छा माना जाता है या बायां हाथ अच्छा माना जाता है? और उसमें भी ऊपर का हाथ अच्छा माना जाता है या नीचे का अच्छा माना जाता है? तो एक जैसी तो नहीं है, चार भुजाएं हैं तो चार ब्रह्मा है और पांचवा ब्रह्मा भी है जिसका मुख काट दिया गया। मुख काट दिया माने आत्मा अलग कर दी और देवान अलग कर दिया, माने ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। माने जिस ब्रह्मा का देवान रह गया, चार ब्रह्मा का देवान रह गया, उनकी पूजा नहीं होती। और एक जिसका देवान कट गया, आत्मा अलग हो गई और शरीर अलग हो गया, उसकी पूजा होती है भगवान के रूप में। वो तो बाबा शंकर हो गया इसका मतलब ये। इसलिए अव्यक्त वाणी में बताया ब्रह्मा का पार्ट स्थापना के कार्य में अंत तक अनुदा हुआ है। भुजाएं अकेले काम नहीं कर सकती, भुजाओं को चलाने वाला भी चाहिए। तो ब्रह्मा की चार भुजाएं हैं माने चार ब्रह्मा हो गए और एक उनको चलाने वाला है। क्लियर हो गया। हाँ, ये जैसे वैष्णवी जो बताते हैं जो विष्णु का प्रतिनिधित्व जो ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा कैसे बनती है? वो ब्रह्मा तो उसको कहते हैं जिसमें शिव प्रवेश करे। शिव को तो अलग कर दो ना, अब उसको ब्रह्मा में क्यों रखा? ब्रह्मा की वो तो ऊपर वाला चलाने वाला हो गया, शिव तो शंकर हो गया, शंकर तो शिव हो गया, उसको अलग करो।
अब जो चार ब्रह्मा रह गए उनमें सर्वोपरि कौन है जो संपन्न स्टेज को प्राप्त करता है? बस वो ही बैलेंस का पार्ट बजाती है। एक हो प्लानिंग बनाने वाला इंजीनियर कि मकान ऐसे ऐसे बनेगा, ये उसका नक्शा है, और दूसरे होते हैं उस मकान को बनाने के लिए सुपरवाइजर, प्लानिंग करने वाले। एक इंजीनियर होता है प्लानिंग करने वाला, और एक मकान बनवाने वाला मालिक होता है। तो मालिक ज्यादा मेहनत करता है या इंजीनियर ज्यादा मेहनत करता है या मजदूर ज्यादा मेहनत करते हैं जो प्रैक्टिकल में मकान बना के खड़ा करते हैं? तो वैष्णवी की पार्टी ऐसी ही पार्टी है, प्रैक्टिकल पार्टी। एडवांस पार्टी में तीन प्रकार की आत्माएं, एक है मालिक के रूप में कार्य कराने वाले, इंस्पिरेटिंग पार्टी, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे करो काम, इंस्पिरेट करती है, हिम्मत उल्लास दे रही है। दूसरी है प्लानिंग पार्टी, इंजीनियर सारा नक्शा बना के तैयार कर दिया, नई दुनिया का देखो ऐसे ऐसे आने वाली है, लेकिन ना नक्शा बनाने से काम होगा न इंस्पिरेट करने से काम होगा। जब प्रैक्टिकल बनाने वाले होंगे तब ही बनेगा। और ज्यादा प्योरिटी बनवाने वाले मालिकों में होती है या बड़े बड़े ऑफिसरों में ज्यादा प्योरिटी होती है या ज्यादा प्योरिटी मजदूरों में होती है? ज्यादा प्योरिटी की पावर किस में होती है? मजदूरों में ज्यादा प्योरिटी की पावर होती है। तो ये है प्रैक्टिकल पार्टी विष्णु। चार भुजा उनको क्या चारों को ब्रह्मा कह सकते? चारों भुजा ब्रह्मा ही तो है, ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। और क्या, जबकि देवताओं के साथ भगवान है? भगवान तो अब है, सदैव है क्या? भगवान तो कहते जितना तुम मुझे को याद करोगे उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ, याद नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ हूँ। फिर नंग बड़े भगवान से है, बड़ा माने बड़ा, मूला माने जड़। झाड़ में सबसे बड़ी जड़ कौन सी है, दाई ओर बाई ओर वाली या नीचे वाली? नीचे वाली जड़। तो जो नीचे वाली जड़ है वो कौन है? जड़ जड़ की बात हो रही है, बीज की बात नहीं हो रही है? अरे झाड़ में जो सबसे बड़ी जड़ है, जो नीचे जाती है गहरी गहराई में, वो जड़ कौन है और उसका बीज कौन है? अरे ब्रह्मा बाबा जड़ है और उसका बीज है प्रजापिता, पिता है बीज और माता है जड़, और धर्मों की भी माताएं हैं जड़े हैं, और धर्मों के बीज भी हैं एडवांस पार्टी में, लेकिन वो उतने बड़े उतनी बड़ी जड़े नहीं हैं। तो बड़ा मूला कौन हुआ है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा जिस समय बीज रूप स्टेज प्राप्त करता है और प्रवेश करके जहाँ उसने बहुत वाणियां चलाई हुई हैं, सुनी हुई हैं एडवांस पार्टी में, वो एडवांस पार्टी का बड़मूला ट्रायंगल हो गया। क्या बेसिक नॉलेज वाले बड़े बड़े जहाज एरोप्लेन वहां जाने से डरते हैं? क्या पानी के जहाज हो और चाहे हवा के आकाश के जहाज हो, वहाँ जहाँ वहाँ जाने मात्र से ही डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी डूब जाए। और वो बड़मूला ट्रायंगल अंध महासागर में है, उस सागर का नाम क्या रखा है? अंधा महासागर। क्या उसकी थाह किसी ने आज तक पाई नहीं है, इतना गहरा है। धार पुरन, धार पुरन।
पुत्र माने ऊपर, हर माने हरण करके, नीचे से ऊपर हरण करके ले जाए उसको कहते हैं उद्धार मूल। माने बीज, बीज पहले नीचे बोया जाता है, फिर बीच में पता ही नहीं चलता बीच में कहाँ गया, न तने में पता चलता है, न जड़ों में पता चलता है, न टहनियों में पता चलता है, न पत्तों में पता चलता है, लास्ट में जाके फिर वो बीज फिर प्रत्यक्ष हो जाता है, उसको कहते हैं उद्धार मूर्त। और सारा पेड़ किसके ऊपर टिका हुआ है, जड़ों के ऊपर, उसको कहते हैं आधार मूर्त। बीज नीचे है और बीज फिर ऊपर है, तो नीचे से हरण करके कहाँ ले गया, ऊपर ले गया। और आधार मूर्त, ये आधार है, ये उसको ऊपर जड़, ये उसका आधार है और ये पेड़ खड़ा है आधे, फिर फल बाद में आता है बीज, ऊपर चला बीज है, ऊपर बीज, हाँ वो नीचे भी है, सबसे ज्यादा नीचे भी है और सबसे ज्यादा ऊपर, इसलिए शास्त्रों में कथा दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार लगाओ, पार पाके लाओ, कौन पार पाएगा, ब्रह्मा का पार कि विष्णु का पार कि शिव का पार लाओ, तो शिवलिंग को कोई नीचे गया, ब्रह्मा जी नीचे गए और विष्णु जी ऊपर गए, ना उन्हें पार मिला और ना उन्हें पार मिला। और बाबा है हाँ जी, बाबा ने कहा कि मैं ना ब्राह्मण बनता हूँ, ना देवता बनता हूँ, ना राक्षस बनता हूँ, मुरली में आया कि शंकर को कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं हूँ शंकर, फिर कहते हैं ना, कहते हैं शंकर को क्या कहते हैं, देव देव महादेव, लेकिन उसमें वो पार्ट बजाने वाला महादेव का कौन पार्ट बजाता है, ब्रह्मा में सहन शक्ति का पार्ट कौन बजाता है, अगर ब्रह्मा में पहले ही इतनी सहन शक्ति होती तो 63 जन्मों में सहन शक्ति का पार्ट बजा लिया होता, नहीं बजाया ना। ऐसे ही देवताओं में जो सबसे बड़ा धारणा मूर्त देवता है वो महादेव को कहते हैं, लेकिन वो महादेव क्या वास्तव में महादेव का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, नहीं, वो भी कौन बजाता है, वो भी मैं हूँ। और बाबा एक क्वेश्चन आया है, जो पंपा है अभी ज्ञान ज्ञान स्त्री बनी, यही जाकर राज राज स्त्री बनेगी, ठीक है, ज्ञान ज्ञान स्त्री आपके अलावा मम्मा राज राजेश्वरी तब बनती है, ब्रह्मा कुमारियों ने जो राज किया अभी दीदी दादियों ने और कर रही है, क्या ब्राह्मणों की दुनिया में इतना ही बड़ा राज्य होगा, इससे बड़ा और होगा, मुरली में तो बोला गया है कि लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे, अभी तो थोड़े हैं और लाखों करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी, अभी करोड़ों की तादाद में छप रही है, करोड़ों की तादाद में छपेंगी इसका मतलब करोड़ दो करोड़ ब्राह्मण भी बनेंगे, तो इतना बड़ा ब्राह्मणों का परिवार हो जाएगा। और सिखों में गायन है और धर्म में गायन नहीं है क्या, राज करेगा खालसा, माना सिखों में कोई ऐसी आत्मा निकलती है जो सिख धर्म की बीज होने के कारण पहले पहले कन्या के रूप में सरेंडर होती है, इसलिए अव्यक्तवाणी में भी बोला गया है पंजाब कन्यादान में सबसे आगे चला गया, कौन से सन में बोला, 83-84 में, क्या उससे पहले कन्यादान नहीं हुआ था, चंद्रमणि दादी क्या उससे पहले सरेंडर नहीं हुई थी, हुई थी ना, लेकिन पंजाब को सबसे पहले ये कन्यादान में आगे गया हुआ क्यों बताया, क्योंकि पंजाबी खून की वो कन्या एडवांस में सबसे पहले सरेंडर हो गई और सरेंडर होकर के उसने जितना कंट्रोल किया एडवांस पार्टी को लंबे समय तक,
उतना किसी ने कंट्रोल नहीं किया, और आगे चल करके भी क्या ये गौओं को बढ़ाने वाला गौवर्धन पहाड़ जितना वो छोटी सी उंगली उठा के रखेगी पालना करेगी उतना कोई भी दीदी दादी पालना नहीं कर सकती। इसलिए सिखों ने बोला है राज करेगा खालसा, भले लास्ट में डूबी जा की स्टेज हो जाए सबकी। और देते अपन समझाते हैं तो एक बात बताएगी, मतलब यज्ञ की याद में 900,000 आत्माएं थी और वो सूर्यवंशी 900,000 आत्माएं द्वारा ज्ञान में आती है एडवांस पार्टी की हैदराबाद में इकट्ठी हुई भाई यार ये भी द्वारा। तो पीछे में एक प्रश्न था, दीदी दादी जो थी दादी जी वो भी तो संशक्तिक में थी वो भी फिर 900,000 में आई, जो भी आए आना चाहिए 900,000 में 4.5 लाख जन्म लेने वालों में है कि नहीं, उनमें ब्रह्मा सरस्वती और कुमार का दादी चंद्रमणि दादी जैसी आत्माएं भी हैं कि नहीं। फर्स्ट डिनेस्टी की बात नहीं कर रहे, आदि और अंत की बात कर रहे, पार्ट बजाने वालों की आत्माओं की, आत्मा ही पार्ट बजाती है शरीर। हाँ तो जिन आत्माओं की आप पार्ट बजाने की बात कर रहे हैं सितारों की, वो सितारे जो जन्म लेने वाले हैं 4.5 लाख कुमार का दादी जैसे ब्रह्मा बाबा जैसे जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, और जो जन्म देने वाले हैं 4.5 लाख वो इस समय मौजूद नहीं होंगे। तो क्या बात है तुम्हारा कौन सा प्रश्न रह गया? किसने कहा फर्स्ट डिनेस्टी में आएंगे? फर्स्ट डिनेस्टी होती कौन सी है? तो संगम युग में है तो होगी, वो तो कहाँ चली गई? शरीर छोड़ दिया तो वो क्या प्रवेश करके पार्ट नहीं बजा रहे हैं? बजा रहे हैं। अरे माने आत्मा को कोई आप प्रायोरिटी देंगे ही नहीं, शरीर को ही प्रायोरिटी देंगे? आत्मा की प्रायोरिटी दो, आत्मा ही कार्य करती है। और हैं शरीर छोड़ रहे हैं लेकिन प्रवेश करके पार्ट भी जो बजा रही है हाँ। वहाँ उनको फील होता होगा कि हम वहाँ ऐसा, क्यों नहीं फील होगा? जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा उसके बाद उनको फील नहीं होता है कि हम तो बाप को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो बात कुछ दूसरी निकल रही है। हाँ सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद आत्मा में समझ की शक्ति बढ़ जाती है या कम हो जाती है? बढ़ जाती है। हाँ अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो शरीर है ही नहीं उनका। हमने आज के समय पर सब यादगारें समाप्त हो जाएंगी तो क्या चांद सितारों में क्या होगा? हाँ 9 ग्रह आपस में टकराएंगे, जब 9 ग्रह आपस में टकराएंगे तो चंद्रमा रह जाएगा, ये तो उपग्रह है। जो बड़ा बड़ा होता है वो अपने तरफ ज्यादा आकर्षित करता है या छोटा छोटा आकर्षित करता है? जो बड़ा है ज्यादा वजनी है वो अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है? वो तो भगवान हो गए, वो तो उसकी बात छोड़ो अलग है। बृहस्पति, तो बृहस्पति कौन है? अरे पतियों का पति कौन है? प्रजापिता। टकराएंगे छोटे छोटे जो धर्म प्रदाय संप्रदाय उनमें प्रवेश करने वाले बीज रूप और उनमें प्रवेश करने आधार मूर्त, वो आपस में टकराएंगे तो आखिर अंजाम क्या होगा? टकरा टकरा के भस्म हो जाएंगे या रह जाएंगे, खलास हो जाएंगे? हाँ जड़ में भी खलास हो जाएंगे, अपने को मर्ज करना पड़ेगा उन्हें। क्या ये बुदबुदे सागर में समा जाएंगे? अभी बुदुर बुदुर करते रहते हैं, सामने आके बात नहीं करते। परम धाम जब जाएगी आत्मा, हाँ उस समय आत्मा की
श्वास चलती रहेगी तो बंद हो जाएगी। आत्मा की श्वास आत्मा तो शरीर में रहेगी तो अरे सांस प्रश्वास शरीर में होती है, पांच तत्वों में सांस प्रश्वास। श्वास जो है हवा है ना, हवा को ही श्वास कहते हैं ना, तो हवा पांच तत्वों की चीज है या आत्मा है? पांच तत्वों से परे है। अरे श्वास पांच तत्वों की चीज है, श्वास को आत्मा नहीं कहा जाता क्या? आत्मा निकल करके ऊपर परम धाम चली जाएगी। हाँ जी, परम धाम चली जाएगी। हाँ, ऊपर बिसराने के लिए, दुनिया की बिसराने के लिए आत्मा ऊपर चली जाएगी। कंचन काया के समय की बात। हाँ, कंचन काया के समय की बात। हम धाम इस सस्ती में ही उतार लेंगे। बर्फ में जब ढकी रहती है, कंचन सबकी बात। आत्मा नहीं ढकी रहती है, शरीर ढक जाता है। जैसे कोई को सांप काट लेता है, तो सांप काटे हुए को अगर बर्फ में रख दिया जाए तो आसाम के लोग उसे कोई न कोई तरीके से जिंदा ही कर लेते हैं। आत्मा नहीं रह जाती है, आत्मा तो ऊंची स्टेज में उड़ जाती है, शरीर सुरक्षित रह जाता है। फिर उसको जिंदा कैसे कर लेते बाबा? वो आत्मा प्रवेश कर जाती है सुरक्षित शरीर में। ये है बाबा, जब आत्मा परम धाम चली जाती है तो जैसे तो फिर सांस चलती है कि नहीं? अरे सांस कैसे चलेगी बिना आत्मा के? बिना आत्मा कहीं सांस चलती है? और अरे रुको रुको रो धीरे धर मनुआ जाने के लिए तैयार था लेकिन जा नहीं पाया। तो ज्ञान में आएगा? सही छोड़ दिया एक महीना। हाँ, जो जाने के लिए तैयार था जिसमें हाँ। अंदर से इच्छा पैदा हुई हाँ। कि हम एडवांस में जाएंगे हाँ। और फिर शरीर छोड़ दिया हाँ। तो शरीर छोड़ने के बाद तो और स्वतंत्र हो गई हाँ। मतलब अंतिम मात्रा उसका बाबा ही बाबा कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कब निकलेगा? जल्दी है, जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। देह देह के संबंध, देह के पदार्थ ये पूरे होंगे तभी तो आएगी। और सबके लिए आएगी या हाथ के लिए आएगी पहले? है पहले रुद्रमाला में कितने पिरोए? रुद्रमाला से विजयमाला में कितने पिरोए जाएंगे? आठ ही पिरोए जाएंगे, फिर नंबर वार होंगे। तो पुरुषार्थ करने की सोचो, कब आएगी कब विनाश होगा ये नहीं सोचना। अगर करना ही है तो आवाहन करो, जो अव्यक्तवाणी में बोला कि विजयमाला का आवाहन करो, खींचो, आकर्षित करो। बाबा एक बात और है, ये जैसे कहते हैं जगदम्बा को दे दान तो छूटे ग्रहण, यूं दान देने की बात कहते हैं। तो बाबा जगदम्बा जैसे चंद्रमा ग्रहण लगता है ना, तो चांद ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, तो ऐसे ही यहाँ भी है। तो दान अगर देना है तो उसको मना देख, जब तक देखा नहीं किसी आत्मा को, ममता सेवा करते हैं तो देखते हैं, सिमर्ज करते हैं। ब्रह्मा को देखा है कि नहीं देखा? फोटो देखी है, फोटो देखी बाबा। तो जगदम्बा का फोटो नहीं देखा है? एक बार देखा है तो झूठ क्यों बोलते हैं? नहीं बाबा, लेकिन हम लोगों ने तो नहीं देखा। दुनिया में ऐसे भी प्रेमी होते हैं जिंदगी में एक बार देखते हैं और जिंदगी भर नहीं भूलते। और यहाँ ऐसे भी हैं कि बाबा का फोटो रोज टीवी में देखते हैं और शिकायत लिख के भाई बाबा हमें आपका चेहरा याद नहीं रहता। तैयार हुआ है बाबा ने कहा नई दुनिया की बता दी है, वहाँ जो आत्माएं जा रही हैं तो वो सब आत्मिक स्थिति वाली होंगी। और दूसरी बात की वहाँ की जैसे अपनी सीढ़ियाँ हैं, अभी गीता पाठशालाओं की मीन मतलब कुछ सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं, जो NS उसकी सीढ़ियाँ देखने को नहीं मिलती। NS वालों को सीढ़ियाँ चलाने की दरकार नहीं और NS वालों को दृष्टि अलग से लेने की दरकार नहीं। अभी अभी बताया, कोई ऐसे होते हैं एक बार देख लेते हैं और जिंदगी भर
नहीं भूलते। और कोई ऐसे रोज देखते रहते हैं, कहते हमें याद ही नहीं रहता। फिर ना उनके सामने मुरली चलती है और ना उनको दस्ती दी जाती है और ना उनको ये चिंता है बाबा हमसे आकर के मिलता क्यों नहीं बार बार। फिर भी वो ये अनुभव करते हैं जो अध्यक्ष वाणी में बोला हुआ है, क्या तुम बच्चों से बाप दूर नहीं रह सकता और बाप तुम बच्चों से अलग नहीं हो सकता। बाप के बिना तुम बच्चे नहीं रह सकते और बच्चों के बिना बाप रह नहीं सकते। बड़ा प्रश्न। अभी छोटे से क्या बात है। इस बात पर वो निश्चय बुद्धि हो गए। हाँ हाँ मालूम पड़ेगा तुमको ब्रह्मा बनना है। ब्रह्मा बनना है। हाँ जी हाँ जी है। हाँ तो शंकर मनुष्य सृष्टि का बाप है, है? बाप है। और बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कब मनाया गया? 76। जब प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया और घोषणा भी मनाने की किसने की? ब्राह्मणों ने की, अव्यक्त बाप दादा ने की। तो जिस समय अव्यक्त बाप दादा ने घोषणा की है और मुरली ने घोषणा की कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष माने 76 में। तो माँ की तरफ से और बाप की वाणी की तरफ से दोनों तरफ से ये घोषणा हो चुकी। किस बात की? बाप के प्रत्यक्षता रूपी जन्म की। तो बाप को ही नहीं पता चलेगा अपना? बाप को अपने पार्ट का पता नहीं चलेगा? जबकि मुरली में और अभ्यक्तवाणी में तो बोला तुम बच्चे अपने आप अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करोगे, बाप दादा नहीं बतावेंगे। अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने व्यवहार से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करोगे। हर आत्मा अपने पार्ट को स्वयं प्रत्यक्ष करेगी। तो शंकर को नहीं अपने पार्ट की अनुभूति होगी तो किसको होगी? और उसको उसको तो कहा ही जाता है स्वयं भू। क्या भू माना? होने वाला, स्वयं प्रत्यक्ष होने वाला। और मनाना करना होता है भक्ति मार्ग में और बनना होता है ज्ञान मार्ग में। अगर कोई पूछता है कि त्योहारों को मनाए या न मनाए, पूछता है कोई पूछता है बाबा शादी करें या न करें, और मुरली में रोज बोला जा रहा है शादी बर्बादी, रोज मुरली में बोला जा रहा है क्या कि किसी को भक्ति करने के लिए मना मत करो। क्यों मना नहीं करो? इसलिए मना नहीं करो कि अगर मना कर दोगे तो भक्ति से भी टूट पड़ेगा और ज्ञान में से टूटा हुआ है ही, तब तो भक्ति कर रहा है। भक्ति के लिए पूछ रहा है, शादी के लिए पूछ रहा है, इसका मतलब ज्ञान बुद्धि में पूरा बैठा नहीं है। जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो पूछना बंद हो जाएगा। इसलिए भक्ति करने के लिए किसी को मना नहीं करना चाहिए। नहीं, भक्ति से भी गए और ज्ञान से भी तो गए हैं ही। हाँ जी, शंकर जी को नहलाते हैं तब ना नहलाएं। कहाँ है शंकर जी? और शंकर जी कहाँ है? पत्थर के, पत्थर को नहलाने से फायदा है? छोटे से ज्ञान नहीं रहा, जब ज्ञान नहीं नहीं ज्ञान होगा तो पूछेगा ही क्यों? नहलाओ, खूब नहलाओ। अच्छा, गणेश जी शंकर जी को नहलाओ, फिर उनके बच्चा गणेश जी को नहलाओ, फिर पार्वती को, सबको नहलाओ।
है हाँ ज्ञान हाँ ज्ञान क्यों नहीं बैठता? बाबा ने बोला जब भक्ति पूरी होगी तो ज्ञान बैठ जाए। है बाबा एक प्रश्न ये है, जैसे रामायण में बताते हैं कि जन्म जन्म लगी रगड़ तुम्हारी, तुम्हारी नहीं हमारी, रगड़ हमारी और बरह सब नहीं रहा तुम्हारी। है हाँ ये बात कहाँ के लिए लागू होती है, कैसे है? पार्वती के लिए लागू होती है, जो सारी सृष्टि को पार लगाने वाली आत्मा है, और खास करके सृष्टि का जो बाप है उसको पार लगाने वाली आत्मा है, उसके लिए लागू होती है। तो जन्म जन्म के लिए, जन्म जन्म में लगी रगड़ हमारी, हमारे 63 जन्म की भी रगड़ है। क्या कि अगर वरण करूंगी, वर के रूप में वरण करूंगी, पति के रूप में बनाऊंगी, तो शंकर वाली आत्मा को ही पति बनाऊंगी और कोई आत्मा को पति नहीं बनाऊंगी। अरे 500-700 करोड़ ये एक्टर्स की दुनिया है, 500-700 करोड़ पत्तों में कोई एक पत्ता एक एक्टर तो ऐसा होगा जो जन्म जन्मांतर एक ही आत्मा के साथ संबंध जोड़ता हो पति पत्नी का, और कोई के साथ न जोड़ता हो। तो वो पार्वती के लिए गायन है, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बनाओ वरों शंभु न तो रहो कुंवारी।